हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद ऑन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वॉशिंग के ऊपर। वॉशिंग का सेटअप मेरे पास है ऑलरेडी, तो इसीलिए हाई प्रेशर वॉशिंग करना ज़रूरी नहीं है। बकेट वॉश भी कर सकते हो, उसके लिए बकेट रेडी है। एंड बाकी कहाँ कहाँ क्या करना है मैं आगे दिखाते जाऊँगा। एंड काफ़ी गंदा हो रखा है गाड़ी, ये देख सकते हो। जो फोम वॉश होता है ना, वही करेंगे। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो। सेटअप तो है पूरा हाई प्रेशर का, मगर मैं हाई प्रेशर वॉश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बैटरी बाइक है एंड मैं नहीं चाहता हूँ कुछ गड़बड़ हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हाई प्रेशर करेंगे, उसके बाद फोम वॉश करेंगे। काफ़ी दूर से कर रहा हूँ बिकॉज इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखो के अंदर में बहुत सारा धूल मिट्टी था, ये सब अंदर में अभी भी है। तो थोड़ा सा हल्का प्रेशर से भी करना ज़रूरी है, बिकॉज अंदर में ना आप उतना प्रेशर नहीं लगा सकते हो। एंड मोटर के ये जगह पे बस इतना ही, और मुझे एक चीज़ का ड्रॉबैक लगा, अगर बारिश गिरता है ना तो ये जगह पे पानी ऐसे ही रहेगा। पता नहीं इसका सलूशन कुछ ऐसे ही होगा, और इसके अंदर पानी चला जाता है तो क्या होगा पता नहीं। मुझे लगता है कि नीचे से निकल जाना चाहिए। हाँ निकल तो गया, तो अंदर से निकल गया। बाकी स्किन पूरा पानी पानी है, बाकी स्किन देखो। ओके हो रहा है, काम हो रहा है, बारिश में भी काम हो जाएगा, वाटरप्रूफ तो है ही। फोम वॉश का शुरू करते हैं, ये देखो, क्योंकि मैं हाथ से अभी भी कपड़ा नहीं मारा, सबसे पहले फोम वॉश कर रहा हूँ, बिकॉज इसके ऊपर कोटिंग होने वाला है, सिरामिक कोटिंग, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। अभी मैं अच्छे से साफ कर रहा हूँ, क्योंकि सिरामिक कोटिंग के पहले ना आपको साफ करना ही है। फोम वॉश से क्या होता है ना, आपका जितना भी गाड़ी का धूल मिट्टी है वो थोड़ा बहुत निकल जाता है, पूरा नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत। इसको ऐसे करके 5-10 मिनट छोड़ देना चाहिए, ऐसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा ना, अपने आप पूरा जो फोम है ना, थोड़ा जो मैल है उसे लेके निकल जाएगा। ये जगह काफ़ी धूल मिट्टी रहता है। एंड स्टैंड के ये जगह पूरा खत्म हो गया है, अभी 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखो फोम कैसे निकल रहा है धीरे धीरे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नया गाड़ी है ना, आप थोड़ा बहुत कपड़ा मारोगे तो काम हो जाएगा। अभी बकेट वॉश का टाइम है, एंड बकेट वॉश के लिए मैंने माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होता है ना उसे यूज़ किया है, बिकॉज ये बहुत कारीगर है। ये देखो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही साफ करना है, बिकॉज इसी से अच्छा साफ भी होता है। एंड आप देख सकते हो
आप अगर हाई प्रेशर वॉश नहीं करना चाहते हो तो बस इस तरीके से साफ करो। मैं भी उतना नहीं करना चाहता था, मगर इस जगह पे ना, ये जगह पे काफ़ी ज़्यादा मैला था, बस उसीलिए, एंड बहुत दूर से किया इसीलिए। एंड चलो अभी अच्छे से साफ कर लेते, बिकॉज इसके ऊपर सिरामिक कोटिंग भी होने वाला है, उसके ऊपर भी वीडियो आगे लाऊंगा। एंड और एक एक्साइटिंग सा चीज़ होने वाला है, ये देखो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस लग गया, क्यों लगा आगे बताऊंगा। ये स्टिकर भी मुझे हटा देना है अभी, क्योंकि इस जगह पे कोटिंग होगा ना, तो ये स्टिकर की अभी तो ज़रूरत नहीं होगा, फिर लगाएंगे, स्टिकर को हटाना पड़ेगा। हो गया, अभी अच्छे से ऊपर ऊपर से वॉश कर लेंगे, बस हो जाएगा। काफ़ी दूर खड़े हैं इसीलिए, बिकॉज इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप देख ही सकते हो। वो भी निकल लिया, बिकॉज बहुत सारे जगह ऐसा है ना, बहुत सारा कचरा था, उसे निकालना ज़रूरी था। एक चीज़ का नोटिस करो, डिस्प्ले पे वाटर मार रहा हूँ ना, तो वो टिक नहीं रहा है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे वॉशेबल का कुछ लगा हुआ है प्रोटेक्टिंग, इसीलिए। हो गया, और ज़्यादा नहीं करना है, बस इसके ऊपर ना दो काम होगा मेरा, इसीलिए इतना अच्छे से मैंने क्लीन किया। स्कूटर के ऊपर सिरेमिक कोटिंग होने वाला है, इसीलिए अच्छे से साफ करना ज़रूरी था, एंड नीट एंड क्लीन भी करना ज़रूरी था। जब तक ना सिरेमिक कोटिंग हो जाता है ना, तब तक मैं इसे और नहीं निकालूंगा, बस इसीलिए अच्छे से वॉश करना है, साफ भी करना है, सुखाना भी है। प्रोफेशनल जगह से कर रहे हो ना, जिसमें इस तरीके का चीज़ है, तो ये जगह सबसे पहले क्लीन करना है, ये जगह एंड ये जगह। ये जो स्किन है ना, स्किन में ऑलरेडी कुछ प्रोटेक्शन कुछ दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे पानी टिकता नहीं है। टेटिन रखो, बहुत जल्दी इसका रिव्यू वीडियो आएगा, बिकॉज इसका जो अच्छा है एंड जो बुरा है मुझे मालूम चल गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आज का वीडियो यही तक था। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।